तो इस वीडियो के खत्म होने से पहले आपको प्री और पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का कब कैसे कहां क्यों क्या कितना सब पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये वीडियो पिंटोला के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया है, लेकिन इसकी भी अन्य जानकारी वीडियो के अंत में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो गाइज, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहले हेल्थ पर। अच्छा इससे पहले कि हम प्री और पोस्ट वर्कआउट फूड्स पर आएं, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं ताकि कल आप खुद अपने प्री और पोस्ट वर्कआउट मील्स बना सको। तो एक अच्छे प्री वर्कआउट मील का काम है वर्कआउट के दौरान पर्याप्त एनर्जी देना। कोई भी कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड एक अच्छा प्री वर्कआउट है, जहां फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब खाओ अगर वर्कआउट में आधा एक घंटा ही हो, और स्लो डाइजेस्टिंग या कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर वर्कआउट में डेढ़ दो घंटा है। और एक पोस्ट वर्कआउट मील का काम है अच्छी रिकवरी, मसल रिटेंशन और ग्रोथ, जिसके लिए किसी भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फूड का मेल एक अच्छा स्रोत है। और फैट का रोल लिमिटेड है दोनों प्री और पोस्ट वर्कआउट मील्स में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फैट की मौजूदगी आपके मसल बिल्डिंग गोल्स में कोई खलल डाले। बस इतना है कि फैट्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरह डाइजेस्ट होने में समय लेते हैं, तो इसलिए वर्कआउट से पहले फैट्स को कम से कम रखें। खैर अब सबसे पहले सुबह वर्कआउट करने वालों के लिए कुछ प्री वर्कआउट ऑप्शंस। तो अगर आपके उठने में और जिम जाने में लगभग एक घंटा या उससे कम समय हो, तो एक ब्लैक कॉफी कंज्यूम करो, इससे मिली कैफीन किक आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगी। दूसरा, कोई भी फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब जैसे फ्रूट जूसेस या ड्राइड फ्रूट जैसे दो चार खजूर, अंजीर, मुट्ठी भर किशमिश या एक चम्मच शहद, आप चाहो तो इन दोनों ऑप्शंस को साथ में कंबाइन कर सकते हो, या फिर एम्प्टी स्टमक भी वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन मोटी बात यह है कि आपकी धुएंधार परफॉर्मेंस खराब नहीं होनी चाहिए। और जिम में अपने जलवे दिखाने के बाद अब बारी है पोस्ट वर्कआउट मील्स की, जिसके ये तीन उद्देश्य हैं। यहां होगा ये कि जो मसल प्रोटीन और ग्लाइकोजन के डब्बे आपने वर्कआउट से खाली किए हैं, उसे भरने की प्रतिक्रिया शुरू होगी। और अगर आपके पास समय हमेशा कम रहता है, तो या तो एक स्कूप वे या कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल वाला कोई भी प्लांट प्रोटीन और साथ में दो तीन बनाना, या आधा स्कूप वे दो बनाना और 300 ml दूध ब्लेंड करके शेक बनाओ, या तीन एग व्हाइट, दो होल एग और दो से तीन बनाना। और इन दोनों ऑप्शंस में आप बनाना को एक दो उबले आलू से भी बदल सकते हो। खैर कुछ और फटाफट रेसिपीज के लिए, एक बनाना 20 ग्राम सत्तू, आधा स्कूप वे 16 ग्राम पिंटोलाज हाई प्रोटीन अनस्वीटेंड पीनट बटर और 300 ml दूध को ब्लेंड करो और गटक जाओ। इस शेक में आप सत्तू को ओट्स से, पिंटोलाज हाई प्रोटीन अनस्वीटेंड पीनट बटर को हाई प्रोटीन ऑर्गेनिक जागरी पीनट बटर से भी रिप्लेस कर सकते हो, और वे की जगह दो अंडे भी खा सकते हो। कुछ और झटपट ऑप्शंस के लिए, दो होल व्हीट ब्रेड, 70 ग्राम पनीर, नमक और स्पाइसेस डालकर ग्रिल करो और सैंडविच डन। साथ में पकड़ो 300 ml दूध या उसी दूध से बनी कॉफी। यहां 70 ग्राम पनीर को 70 ग्राम टोफू, 70 ग्राम ग्रिल चिकन, दो अंडे या 32 ग्राम पिंटोलाज हाई प्रोटीन पीनट बटर से भी रिप्लेस कर सकते हो। खैर अगर आपको जिम के बाद कुछ स्पेसिफिक नहीं खाना और घर पर जो बना है वही खाना चाहते हो, तो कोशिश ये करो कि कंप्लीट प्रोटीन का कोई भी सोर्स जैसे वे, एग, मिल्क, पनीर, दही, सोए, टोफू इत्यादि मील में शामिल रहे और प्रोटीन की मात्रा कम से कम 20 ग्राम हो। इसके साथ अन्य कोई भी प्रमुख भारतीय ब्रेकफास्ट, पराठा, चीला, इडली या डोसा सांभर, लिट्टी चोखा, पोहा, थेपला, दलिया, उत्तपम इत्यादि का छुटकारा लें। अब ये सारे विकल्प शाम के प्री या पोस्ट वर्कआउट में भी उतने ही कारगर हैं जितने की सुबह, लेकिन उस पर पहुंचने से पहले कुछ जरूरी चीजें याद रखें। सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हो तो प्रोटीन के सेवन को धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन 1.2 ग्राम से 1.8 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के बीच में रखो। यहाँ अगर आप अपने प्रोटीन को पूरे दिन की सभी मील्स में बराबर बांटोगे, तो बेहतर रिकवरी और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और आखिरी, मसल बिल्डिंग के लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200-300 कैलोरीज का सरप्लस रखो, कम से कम फैट गेन के लिए। अगर इसके बाद प्री और पोस्ट वर्कआउट थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा, क्योंकि मुद्दे की बात है पूरे दिन का न्यूट्रिशन, पर्याप्त प्रोटीन और प्रगतिशील ट्रेनिंग। आप सभी मील विकल्पों की मात्रा को अपने एपेटाइट और कैलोरी गोल्स के हिसाब से बदल सकते हो। अब बढ़ते हैं शाम के प्री और पोस्ट वर्कआउट मील्स की तरफ। अगर तो जिम जाने में और लंच में 2-3 घंटे का समय हो, तो किसी भी प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपके लंच में हाई क्वालिटी और क्वांटिटी में प्रोटीन हो। और अगर जरूरत पड़े तो मॉर्निंग वाले प्री वर्कआउट्स को यहां भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये सब निर्भर करेगा आपके एनर्जी लेवल्स पर, जो हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। दूसरा, अगर लंच और वर्कआउट में ज्यादा समय का अंतर हो, तो ट्रेनिंग से 1-1.5 घंटा पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्ब खा सकते हो, जैसे सत्तू, रोस्टेड चना, मखाना, पीनट्स या कोई और नट, ब्रेड या फिर रोटी के ऊपर 1 टेबलस्पून पिंटोलाज हाई प्रोटीन ऑर्गेनिक जैगरी या हाई प्रोटीन अनस्वीटेंड पीनट बटर, या बॉइल्ड आलू, दही मखाना, बॉइल्ड चना या भीगे मूंग। अब पोस्ट वर्कआउट के लिए, अगर तो वर्कआउट के 2-4 घंटे बाद डिनर करते हो, तो एक स्कूप वे या प्लांट प्रोटीन के साथ एक बनाना खा लो, फिर डिनर आराम से करते रहना। अगर वे नहीं है, तो या तो 300 ml दूध के साथ एक सर्विंग हाई प्रोटीन पीनट बटर, या दो होल एग्स और तीन एग व्हाइट,
या 100 ग्राम टोफू या पनीर या फिर एक साफ इंग्रेडिएंट वाली प्रोटीन बार भी ले सकते हो या पहले बताई हुई शेक रेसिपीज का यहाँ भी आनंद ले सकते हो। और अगर वर्कआउट के बाद 1-1.5 घंटे में ही डिनर कर लेते हो तो अलग से कोई पोस्ट वर्कआउट मील की जरूरत नहीं है, बस डाइट में 20 ग्राम से ऊपर हाई क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स रखो। अच्छा, एक सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका डाइट में प्रोटीन बढ़ाने का ये है कि रोटी के लिए रेगुलर आटे के साथ सोए ग्रेन्यूल्स को ग्राइंड करके बने आटे को 60-40 या 50-50 के रेशियो में मिलाकर रेगुलर रोटी बनाओ। काफी प्रोटीन तो रोटी से ही मिल जाएगा। और अगर कुछ हाई प्रोटीन रेसिपीज देखनी हो तो लो बजट मसल बिल्डिंग डाइट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम पिंटोला का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे काम को लगातार सपोर्ट करने के लिए। और देखा आपने कैसे एक पीनट बटर अपनी स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिएंट प्रोफाइल की वजह से कैसे आपके मसल बिल्डिंग का भी अच्छा दोस्त हो सकता है। और अगर पीनट बटर हाई प्रोटीन हो तो बात ही क्या है, तो भाई देरी किस बात की है, बस इनकी वेबसाइट pintola.in पर जाओ, अपना मनपसंद प्रोडक्ट सिलेक्ट करो और हमारा डिस्काउंट PH10 लगाकर बढ़िया डिस्काउंट पाओ। आपकी सहूलियत के लिए सभी प्रोडक्ट लिंक्स और हमारी वेबसाइट pehlehealth.com पर पब्लिश इस डिटेल आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो टू कंक्लूड, प्राथमिकता के क्रम में सबसे पहले जिम में बढ़िया वर्कआउट, फिर पर्याप्त प्रोटीन, फिर पूरे दिन में प्रोटीन का विभाजन, यहाँ प्री और पोस्ट वर्कआउट मील्स दोनों आ जाएंगे, फिर 200 से 300 कैलोरीज का सरप्लस और उचित विश्राम से मसल बिल्डिंग के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस विचार के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं आपके समय के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।